नमस्कार बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत पटना में हुई विपक्षी दलों की महा बैठक ऐतिहासिक बैठक थी इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन इस बैठक के बाद से इस पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं इस बैठक का पोस्टमार्टम होना शुरू हो गया है और आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि जिस तरीके का मतभेद उभर कर सामने आया है कुछ दलों के बीच में कहीं ये गठबंधन बीच में ही दम न तोड़ दे देखिए पटना में जो विपक्षी दलों की महा बैठक हुई उसको ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीति में इस तरह के उदाहरण न के बराबर है 1977 में कुछ पार्टियों को विलय करके जनता पार्टी बनी थी लेकिन चुनाव से पहले वो भी चुनाव से एक साल लगभग एक साल पहले पंद्रह दल एक छत के नीचे बैठकर ये संकल्प लें कि वो एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ ये बड़ी बात है और इसका श्रेय सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है सभी नेताओं ने कहा भी इस बात को दोहराया भी कि नीतीश कुमार के ही पहल पर यह बैठक हुई है तो जो दो बातें निकल कर सामने आई इस बैठक में कि एक एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ एक विपक्षी दल का उम्मीदवार होगा और दूसरा अगली बैठक शिमला में होगी तो शिमला की बैठक काफी महत्वपूर्ण है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें गंभीरता से ये तो पहली बैठक थी यहां पर काफी अच्छे माहौल में बैठक हुई यहाँ पर लेकिन शिमला में सीट शेयरिंग न्यूनतम साझा कार्यक्रम इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी पर जिस तरीके की बातचीत अभी हो रही है हालांकि इस अलायंस का नाम दे दिया गया है पेट्रोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बैठक के बाद एक और मुख्य मुद्दा सामने आएगा कि इस अलायंस का कन्वेनर कौन होगा ऐसा माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल पर चुके इतने नेता एक जगह इकट्ठा हुए हैं तो उनको कन्वेनर या संयोजक इस अलायंस का बनाया जाएगा और वो उचित भी होता क्योंकि जिस तरह की बातें अभी सामने आ रही हैं बीच बचाव करने वाला तो कोई होना चाहिए अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अध्यादेश को लेकर जिस तरह की बातें हुई हालांकि पटना में जो बैठक हुई उस बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुआ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यसभा के जो सांसद थे दो संजय सिंह और राघव चड्ढा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही चले गए और बताया गया कि उनकी विमान का समय हो रहा था इसलिए चले गए लेकिन अब देखिए कि इस बैठक में जितने भी नेता आए थे उसमें दो नेताओं को छोड़कर बाकी सभी नेता चार्टर्ड प्लेन से आए थे और वो दो नेता थे जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के और महबूबा मुफ्ती वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर की ये दोनों सर्विस विमान से आए थे बाकी जितने भी नेता आए थे वो चार्टर्ड प्लेन से आए थे तो विमान देरी होने का सवाल ही नहीं था और वो सामने आ भी गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट आ गया कि अध्यादेश के मुद्दे पर अगर कांग्रेस समर्थन नहीं देती है तो वो बैठक में आगे होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे ये एक बड़ी बात थी क्योंकि बैठक के तुरंत बाद इस तरह की बातें सामने आ गई उसी तरीके से बंगाल में बैठक के दौरान ही कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी उन्होंने टीएमसी के खिलाफ बयान दे दिया उसके बाद से वहाँ लगातार बयानबाजी चल रही है तो खैर ये सब चलता रहता है लेकिन कहने का मतलब ये है कि संयोजक अगर इस अलायंस का कोई होता तो इन सब विषयों पर बातचीत कर सकता था हो सकता है कि शिमला में इसका फैसला हो कि इस अलायंस का संयोजक या कन्वेनर कौन होगा और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बलिदान तो देना पड़ेगा खुद राहुल गांधी ने कहा मीटिंग के बाद कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है लचीलापन होना चाहिए तभी पार्टियां आपस में मिल सकती हैं बलिदान देना सीटों का बलिदान देना ये सब भी जरूरी है और क्षेत्रीय दल जो हैं जब तक अपने हितों का हितों को ताक पर रख के बात नहीं करेंगे तब तक ये बात बन नहीं सकती है कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है देश की पूरे देश में पैन इंडिया पार्टी है और कांग्रेस के बिना विपक्ष की कल्पना भी नहीं हो सकती है तो ऐसे में क्षेत्रीय दलों को थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है और ऐसा लगता है कि उनको जो अलायंस बना है नया नया इस अलायंस को थोड़ी बहुत बीजेपी से सीख लेनी चाहिए बीजेपी ने आपने देखा होगा कि वाजपेयी जी की सरकार जब बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की तो उन्होंने अपने कोर एजेंडे को बाहर रख दिया था चाहे वो राम मंदिर का मामला हो चाहे सिविल कोड का मामला हो तो बहुत सारे ऐसे मामले थे उसको तीन सौ धारा तीन सौ सत्तर का मामला हो खुद जनता दल यू उनके इस एजेंडे से अलग अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करता रहा साथ में रहते हुए भी तो इस तरह की बात होनी चाहिए तभी आपकी तभी विपक्षी एकता का कोई मतलब निकल सकेगा और एकजुटता तभी दिखाई देगी अगर इसी तरह से बयानबाजी चलती रही तो धीरे धीरे राजनीति में क्या होता है कि धीरे धीरे बयानबाजी हल्की फुल्की बयानबाजी के बाद ये मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है और कई बार गठबंधन टूटना ही इसका नतीजा होता है बिहार में हम लोगों ने इसको दो बार देखा भी है दो तीन बार देखा है तो खैर अभी तो ये शुरुआत है और हमें इंतज़ार करना चाहिए जुलाई के दूसरे हफ्ते का जब शिमला में ये महत्वपूर्ण बैठक विपक्षी दलों की होगी यहाँ तो काफ़ी गर्म भयानक गर्मी थी लेकिन बैठक के अंदर जो थी वो बैठक के अंदर का माहौल काफ़ी खुशनुमा था क्योंकि शिमला में मौसम खुशनुमा रहेगा लेकिन बैठक के अंदर गर्मी रहेगी ये मानकर चलिए आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए नमस्कार